नौकरी लगाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी कर फरार हुए आरोपियों को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अंकित सिंह कानपुर तथा नूतन चौहान जांजगीर के रहने वाले बताए गए हैं। अपनी ऊंची जान पहचान का हवाला देकर नौकरी लगवाने के नाम पर 1 करोड़ की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को छावनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी की शिकार पीड़िता द्वारा अपने साथ हुई ठगी की जानकारी से CSP छावनी को लिखित में अवगत कराया गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा टीम गठित कर कानपुर, उत्तर प्रदेश और जांजगीर चांपा भेजा गया, जहां से दोनों ठगों अंकित सिंह और नूतन चौहान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने दी। दुर्ग पुलिस ने एक महाठग अंकित सिंह, जो कानपुर निवासी है, और दूसरा नूतन चौहान, जो जांजगीर निवासी है, उसको पकड़ने में सफलता अर्जित की है। अंकित सिंह खुद को धर्म प्रचारक बताकर नौकरी लगाने की आड़ में पिछले 3 वर्षों से 200 से ज़्यादा लोगों को धोखा दे चुका था। उसके अकाउंट में पिछले 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। केवल जांजगीर ज़िले में उसके यहाँ 1 हफ्ता रुकने में 18 लोगों को उसने जो है नौकरी का झांसा देके बेवकूफ़ बनाया। दुर्ग पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके बाकी अकाउंट डिटेल्स संभाले जाएंगे, बयान लिए जाएंगे, उसके द्वारा और भी जो खुलासे संभव है। सर, पूछताछ के दौरान क्या कुछ बताता था कि किस प्रकार से लोगों को झांसा देता था और कैसे लोगों से संपर्क करता था? वह लोगों को जो है पादरी, खुद को पादरी बताकर, क्रिश्चियन धर्म का अनुयायी बताकर वो धार्मिक मीटिंग कंडक्ट करता था और उसमें लोगों से नौकरी लगाने की बात शुरू करता था और उनको विश्वास में लेके 10,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपये तक उनसे धोखा दे देता था। सर, कितने अभी तक अमाउंट इसके पास से? 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट में मिला है। बाकी अकाउंट से खंगाले जा रहे हैं और भी उसके बैंक अकाउंट होने संभव है। गौरतलब है कि आरोपियों द्वारा पूर्व में भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपी नौकरी लगाने के नाम पर रुपए इटकर फरार हो जाते थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।